गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रविश कुमार यादव एंड आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स. द टॉपिक इज बेसिक मैकेनिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस एंड दीज आर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिव बॉडी मैकेनिक्स and the rigid body mechanics. Rigid body mechanics. Here we are going to focus about the mechanics of rigid body. Rigid body means those body whose volume doesn't change when we apply a force on the body. And this rigid body is further divided into two sub branches. First is statics. And the second one is dynamics. Dynamics. Statics include those bodies who is moving at with constant velocity or which is at rest. And the dynamics include those body which is moving with acceleration. And the dynamics is further subdivided into two subclasses. Dynamics further divided into two sub branches. First one is kinematics and the second one is kinetics. Kinematics include those kinematics includes the motion of the body and kinetics includes the reason behind the motion of the body. Let's say when we apply the force on the body that will cause acceleration on the body, that will we will study that part in the kinetics, and in kinematics we will discuss about the changes of the motion of the particles or objects. And now we are going to briefly discuss about the kinematics. Kinematics. Before starting the kinematics, we should clear some terms like motion. Motion. What is motion? Motion is a relative term. When we define motion, it means movement of a particle with respect to time, with respect to some other particle. जैसे कि अगर हम example ले तो हम जैसे हम यहाँ पे हैं. ये पेन यहाँ से हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ लाने में इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये पेन मोशन में है. अब जैसे कि हम यहाँ पे एक चीटी रहेगा और यहाँ पे ये पेन है, चीटी रेस्ट में है, और हम फिर ऐसे पेन को यहाँ से यहाँ किए, तो पेन मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन इस चीटी के रिस्पेक्ट में ये पेन रेस्ट में होगा, क्योंकि इस चीटी के रिस्पेक्ट में इसका पोजिशन चेंज नहीं होगा. तो अगर ये मोशन हो गया, ये रिलेटिव टर्म हो गया. रिलेटिव किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे कि हम ट्रेन पे मूव कर रहे होते हैं, तो जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि सारा पैर वगैरह वो पीछे जा रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे पैर मूव नहीं कर रहा होता, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो सब पीछे जा रहा है. तो यही हो गया, मोशन हो गया ये. अब सेकेंड टर्म हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है जैसे कि हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गए, तो मेरे द्वारा जो एक्चुअल पाथ है ना, वो डिस्टेंस कहलाएगा. जैसे कि ये हो गया एक्चुअल पाथ, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हियर इज फ्रॉम दिल्ली वी आर गोइंग टू मुंबई एंड वी फॉलो लेट्स से दिस पाथ. द टोटल डिस्टेंस इज द कवर्ड इज दिस, देन द लेंथ ऑफ दिस होल पाथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी.
And now the next term is displacement. What is displacement? Displacement is the change in position of the particle. Let's say if I am taking same example here, Delhi and Mumbai, and we followed this path, then the displacement is this location and final location minus initial location. It means ki it is only depend on the position of the particle, final position and initial position of the particle. It doesn't depend on the intermediate position of the particle, and it also don't depend on the length of the path and distance covered by the object. Displacement is a vector quantity. It is a vector अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब बेसिक फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा. ये इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. जैसे कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, और मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं तो उस टाइम पे अलग डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्टेंस के केस में क्या होता था कि हम दिल्ली से इस पाथ को फॉलो करके मुंबई जाएँ या फिर मुंबई से इसी पाथ को फॉलो करके दिल्ली आए, डिस्टेंस बराबर ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में दोनों अलग अलग होता है. और ये डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये कभी डिक्रीज नहीं होता, ये हमेशा इंक्रीज ही करता है या फिर कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, ये ना ही निगेटिव होता. लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे कि अभी दिल्ली से मुंबई को जाने पर हम पॉजिटिव लेते हैं तो मुंबई से दिल्ली आने पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए सेम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया. अब हम लोग देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है. अब जैसे कि वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है और एक होता है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस हो गया किसी एक पार्टिकुलर छोटा इंटरवल पे लेके करेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस बोल देंगे. छोटा इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, लेट से यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो ये हो गया तुमको ये एवरेज वेलोसिटी. और अगर इसी में हम छोटा सा एक इंटरसेक्शन ले लेंगे डीएस डिस्टेंस का और इसमें टाइम डीटी लगा, तो ये वाला जो निकालेंगे ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा डीएस अपॉन डीटी. तो वेलोसिटी यहाँ से पता चल रहा होगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको ऐसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऐसे डिफाइन होगा. अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी दो टाइप का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर एवरेज एक्सेलरेशन. तो उसमें भी वैसा ही है जैसे कि होल जर्नी के लिए देखेंगे तो उसमें एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, किसी एक पार्टिकुलर छोटा सा जर्नी के लिए देखेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे. अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी. इसको ऐसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब
पर यूनिट टाइम हमारा वेलोसिटी कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है, उसको हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जैसे कि बाइक में हम देखते थे कि वो एक्सेलेटर लेते थे, वो एक्सेलेटर कांस्टेंट ही रखते थे, ऐसे ही तल लेके छोड़ देते थे, फिर भी स्पीड इंक्रीज ही करते जा रहा था। वैसे ही है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि रेट कांस्टेंट है वेलोसिटी का, ये नहीं सम, इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन हो गया, इसमें भी दो टाइप का है, इंस्टेंटेनियस एवरेज हो गया। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग अब ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। अब पहला हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इक्वेशन तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हमारा पूरा जो है अभी फिजिक्स जो एलेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे, लगभग सारा इसी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, और एक्सेलरेशन वैरी करता है तो उसको जर्क बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन उसको जर्क डिफाइन करते हैं। वो अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है तो वो बाद में की बात है। अब जैसे कि हम पहला इक्वेशन ये वाला लेते हैं, इसको ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। तो अभी जैसा कि देखें, वो सबसे पहला था ये बेसिक जो है वो था ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। अब इस इक्वेशन से वो पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें ए डी टी, डी टी को इस तरफ ले आएंगे, डी वी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, उसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे यू से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है यू किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, और उसको टोटल टाइम लगा टी सेकेंड यू से वी तक जाने में। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो सब आप इसे बेसिक फिजिक्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होइएगा कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू टी होता है, और जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी ये होता है टी टू द पावर एन एन प्लस वन। ये तो ये इंटीग्रेशन आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा, उसी का यूज करके हम ये ड्राइव करेंगे पहला वाला। अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, जैसा कि हम यहाँ पे माने हुए हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो ए को बाहर ले लेंगे, तो ए बाहर आ गया जीरो टी डी टी इक्वल्स टू, और डी वी का ये वी हो गया, अपर लिमिट हो गया वी और लोअर लिमिट हो गया यू। अब इसमें ए इसमें इसका टी हो गया, अपर लिमिट हो गया टी माइनस लोअर लिमिट जीरो इक्वल्स टू, इसमें अपर लिमिट हो गया वी माइनस यू। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया ए, टी में से जीरो गया टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे ड्राइव हो गया। अब ये वाला इक्वेशन ड्राइव करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला 14। अब इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे v इक्वल्स टू डी एक्स डी एस, एस से डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं तो s हम यहाँ पे लिखेंगे डी एस डी टी। अब यहाँ पे हम लोग डी टी को उस तरफ ले जाएंगे, v डी टी इक्वल्स टू डी एस इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, v के बदले हम जो इससे पहले अभी पहला इक्वेशन था हमारा क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये v के जगह पे ये यहाँ पे रख देंगे
तो यहाँ से आ जाएगा मेरा u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इसको अलग अलग करेंगे, u डी टी ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, ए टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब यहाँ पे ये प्लस साइन था, प्लस होगा। अब यहाँ पे यू टी डी टी, ये टाइम का जीरो से टी टाइम लगा है, यहाँ पे जीरो से टी टाइम लगा है, यहाँ से जीरो से एस, एस डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम एस मानते हैं, तो एस टाइम गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करेंगे तो ये आ जाएगा यू, और डी टी का इंटीग्रेशन जैसा कि पिछले स्लाइड में हम बताए थे, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, और टी का अपर लिमिट टी पुट करेंगे और लोअर लिमिट जीरो, तो टी माइनस जीरो तो टी, तो यू टी प्लस प्लस ए कॉन्स्टेंट ए, और ये टी टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है, अभी आपको बताए थे टी टू द पावर एन डी टी का, टी टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो रख के यही आएगा, और इक्वल्स टू एस आ जाएगा यहाँ पे यू 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 लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसको एस अच्छे से लिख लेंगे, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखो, अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दो इक्वेशन का, एक तो वो वाला जो था, एक था क्या v इक्वल्स टू a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, और जैसे कि हम यहाँ पे डी वी बाय डी टी है, इसको डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अब डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इक्वल्स टू आ गया, इसको इस तरफ लेके गए, इसको यहाँ पे लाए डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, तो ये हो गया ए इक्वल्स टू वी डी वी बाय डी एस। ये डेरिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये वाला ड्राइव करेंगे। अब ये वाला कैसे होगा, तो ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस, तो यहाँ से आ जाएगा ए, और एस का तो एस ही आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ए इंटू डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एस आएगा, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ए एस इक्वल्स टू वी का वी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बाय टू, इसमें अपर लिमिट वी और लोअर लिमिट यू देंगे, तो अब यहाँ से ये आ जाएगा, टू को इस तरफ ले जाते हैं, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब इसको इधर कर लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे ये हमारा थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन अच्छे से ध्यान रखना जरूरी होगा, वो जो तीन इक्वेशन था, अब उसके बेसिस पे हम लोग सारे जितने भी मोशन का क्वेश्चंस होगा वो सारे इन्हीं तीन फॉर्मूले पे करेंगे, जो अभी तीन इक्वेशंस हम ड्राइव किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, अब उसमें क्या क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशंस, रिवर में कैसे मैन फ्लो करता है, और जब रेनफॉल होता है तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना चाहिए तो सबसे कम बारिश आएगा, वो सब सारा हम इसके नेक्स्ट में वो सब हम डिस्कस करेंगे।